बच्चों, आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। इस कविता के भावार्थ पर आज कक्षा में चर्चा होगी। 5 अनुच्छेद हैं इस कविता के, जिसमें 2 अनुच्छेद पर आज हम बात करेंगे और इसका भावार्थ समझाएंगे। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि छायावाद की कवित्री रही हैं महादेवी वर्मा, इसलिए इनकी रचनाओं में छायावाद की जो विशेषताएँ हैं वो सारी बातें नज़र आती हैं। नीर मतलब होता है जल, दुख की बदली, बदली मतलब यहाँ पर है बादल, स्पंदन का मतलब होता है धड़कन। ये कुछ ऐसे नवागत शब्द हैं जो इस कविता में, इन पंक्तियों में आए हैं। स्पंदन मतलब धड़कन, चिर मतलब जो काफ़ी पुराना, काफ़ी दिनों से है, निस्पंद मतलब बिल्कुल ही स्थिर, क्रंदन मतलब रोना चीखना, आहत मतलब दुखी होना, नैन मतलब आँखें, पलकों, आप समझते होंगे आँखों के ऊपर में जो पलक होते हैं, निर्झरनी मतलब झरना, पग पग मतलब कदम कदम पांव, स्वप्न सपने, पराग फूलों में जो पाए जाते हैं पराग के कण वो है पराग, नव मतलब आसमान, नव रंग, नव का 2 अर्थ होता है, नव मतलब नया भी होता है, नौ मतलब नौ भी होता है, दुकुल मतलब वस्त्र, छाया में मलय एक पर्वत है जिससे चंदन की खुशबू आती है, और बयार मतलब हवा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नए शब्द हैं, थोड़े कठिन शब्द हैं, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। कवित्री कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली। इन्होंने स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है, इन्होंने खुद को बदली कहा है, और वो भी कैसी बदली, दुख की बदली, जिसमें क्या भरा हुआ है, नीर भरा हुआ है, यानी आंसू भरे हुए हैं। इस कविता को 2 तरह से आप देख सकते हैं, एक प्रकृति का चित्रण, बादल जिसमें कि जल भरा हुआ है, और दूसरी ओर आप एक स्त्री की व्यथा को भी इस कविता से समायोजित करके या तुलना करके देख सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि छायावाद का मतलब ही है कि अमूर्त चीज़ों में मूर्त चीज़ों की स्थापना करना, यानी जो सच्चाई है उसको दिखाने के लिए किसी छाया का सहारा लेना। तो कवित्री कहती है कि जो बादल है आसमान में वो दुख से भरा हुआ है, और उसके अंदर जो जल भरा हुआ है वो उसके आंसू हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, उसकी धड़कन में, बादल जो धड़कता है, गरजता है, आवाज़ आती है, उसमें एक मौन भी है, एक स्थिरता भी है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता है। उसके स्पंदन में, उसके धड़कन में, उसकी चंचलता में चिर निस्पंद बसा हुआ है, यानी काफ़ी दिनों से एक गहराई वाली शांति बसी हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी वो तो क्रंदन कर रहा है, बादल जो है वो गरजते हैं, वो बरसते हैं, वो रो रहे हैं, उनसे आंसू गिर रहे हैं, लेकिन उसके क्रंदन में भी, उसके दुखी होने से भी विश्व क्या है, हंस रहा है, पुलकित हो रहा है, क्योंकि धरती गर्मी से तप रही थी, और वैसी स्थिति में बादल से जब बारिश हो रही है तो वो कह रही है कि बादल तो खुद को मिटा दे रहा है, बादल रो रहा है, गमगीन है, परेशान है, और उसकी मिट जाने में ही विश्व की क्या है, खुशी है, विश्व हंसता है, नैनों में दीपक से जलते, आँखों में जो दीपक जल रहे हैं, यहाँ पर दीपक जलने की बात या तो उम्मीद से है, या आशा से है, या इंतजार से है। जब आप प्रकृति की बात करेंगे तो उसमें एक नई उम्मीद है, एक नई आशा है, पर जब आप एक स्त्री की व्यथा की बात करेंगे तो वो एक इंतजार है। पलकों में निर्झरनी मचली, और महादेवी जी कहती हैं कि पलकों में झरने की तरह कुछ मचलता है, क्या मचलता है, वो फिर आंसू की बात कर रही हैं कि मेरी आंखों में एक दीपक जल रहा है जिसमें कि थोड़ी उम्मीद है, थोड़ा इंतज़ार है, और मेरे पलकों में झरने मचल रहे हैं। आप इसे प्रकृति से भी जोड़कर देख सकते हैं, आप इसे एक स्त्री की व्यथा से भी जोड़कर देख सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद देखिए, मेरा पदपक संगीत भरा। कवित्री कहती है कि बादल के भी हर कदम पर संगीत है, बिजली चमकना, बादल गरजना, रिमझिम रिमझिम जो आवाज़ है, पेड़ पौधों का जो हिलना है, हवाओं का जो
मचलना है, वो सारी जो आवाज़ें आती हैं वो क्या है, प्रकृति का संगीत है। और उस अवस्था में जब बारिश होने वाली होती है तो हर जगह से वो आवाज़ आती है जो कि प्रकृति का संगीत है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, कवित्री कहती है कि मेरे सांस जो हैं, सांसों में क्या है, कुछ सपने हैं और फूलों के पराग हैं। सांस किसका, वो जो हवा बह रही है बारिश के समय, बादल गरज रहे हैं, तो वो प्रकृति की सांसें हैं जिसमें कि फूलों की खुशबू भरी हुई है। नव के नवरंग बुनते दुकल, और आपने देखा होगा कि बारिश के बाद इंद्रधनुष छा जाता है और उसके बहुत सारे नए रंग होते हैं, नौ रंग होते हैं। कवित्री कहती हैं कि उस नौ रंग के वस्त्र को आसमान पहनता है, नव मतलब आसमान, छाया में मलय बयार पली, और उसकी छाया में ही मलय पर्वत से आती हुई सुगंधित हवा पलती है, बहती है। तो ये सारी जो बातें हैं इसमें कवि कह तो रही है बादल की व्यथा, कि बादल खुद को मिटा देता है, क्यों, ताकि विश्व हंस सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्त्री की व्यथा है कि वो खुद को मिटा देती है, खुद की आंखों का आंसू छुपा लेती है, क्यों, ताकि विश्व को खुशी मिल सके। वो समाज के हित के लिए, समाज के त्याग के लिए खुद का बलिदान उसी तरह से करती है जैसे कि कोई बादल बरस जाता है और खुद को समाप्त कर देता है। कुछ और पंक्तियों पर चर्चा होगी अगली कक्षा में। धन्यवाद।